आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 107 दिन से जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को जमानत मिल गई है। चिदंबरम को ईडी मामले में जमानत मिली है, जबकि सीबीआई मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेता चिदंबरम को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक बयान और इंटरव्यू देने पर रोक लगाई है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड के साथ ये जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड के साथ जमानत देते हुए आदेश दिया है कि वो बिना परमिशन के यात्रा ना करें। साथ ही कोर्ट ने चिदंबरम को ये भी हिदायत दी है कि वो केस से जुड़े किसी गवाह से संपर्क ना करें। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने नवम्बर में आईएनएक्स मीडिया से जुड़े ईडी मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस पर पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और पिछले हफ्ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 4 दिसंबर को कोर्ट ने कई शर्तों के साथ पी चिदंबरम को जमानत दे दी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।